केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 केंद्रीय श्रम कानूनों का विलय कर एक आचार संहिता बना दी है जो 10 या इससे अधिक कामगारों वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी। इससे करीब 40 करोड़ मजदूरों को लाभ मिलने की संभावना है। कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियों से जुड़ी प्रस्तावित आचार संहिता के दायरे में आने वाले कामगारों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि यह संहिता बंदरगाह और खनन क्षेत्र से जुड़े व्यापारी संगठनों पर भी लागू होगी, भले ही वहां एक ही मजदूर काम कर रहा हो। यह नीतिगत बदलाव व्यापार को सुगम बनाने और कर्मचारियों को अधिक संरक्षण देने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि श्रम कानून में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं जिन्हें सरकार विधेयक के माध्यम से लाएगी। नए नियमों में नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य होगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारिश्रमिक पर श्रम संहिता को मंजूरी दी थी जिसमें न्यूनतम दिहाड़ी और समय पर भुगतान करने के प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए संबंधित पॉक्सो अधिनियम 2012 में संशोधन किए जाने का अनुमोदन कर दिया है। इस कानून के तहत ऐसे अपराधियों को मृत्युदंड सहित कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कानून में इस संशोधन से बच्चों के यौन शोषण में कमी आएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। पांचवें विधानसभा का ये दूसरा सत्र होगा। 19 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में कुल 6 बैठकें होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। सत्र के पहले दिन दिवंगत सदस्यों भीमा मंडावी और बलराम सिंह ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सत्र के दौरान 7 विधेयक पेश किए जाएंगे। मानसून सत्र में सदस्यों द्वारा कुल 946 सवाल लगाए गए हैं। इनमें 491 तारांकित और 451 अतारांकित हैं। विधानसभा सचिवालय को इस सत्र के लिए 74 ध्यानाकर्षण सूचनाओं के अलावा शून्यकाल के 10, स्थगन और कामरोको प्रस्ताव की 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। विधानसभा में कल सुबह 10 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी जिसमें अनुपूरक बजट पेश करने के साथ ही अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। वहीं आज शाम मुख्यमंत्री के रायपुर स्थित निवास में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है जिसमें मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इधर प्रमुख विपक्षी पार्टियों भारतीय जनता पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने सरकार के बीते 6 महीने के कामकाज को लेकर उसे घेरने की रणनीति बनाई है। प्रसार भारती और आईआईटी कानपुर ने आज नई दिल्ली में नई उभरती टेक्नोलॉजी और प्रसारण से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान संबंधी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कदम से प्रसारण के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति और आईआईटी कानपुर के निदेशक अभय करंदीकर उपस्थित थे। अनुसंधान में सहयोग के जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है उनमें मोबाइल फोन के जरिए सीधा प्रसारण, 5G का कन्वर्जेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास केंद्र बनाना भी शामिल है। समझौता ज्ञापन आज से प्रभावी हो जाएगा और इसकी अवधि 5 वर्ष के लिए होगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज में एचआईवी वायरल लोड टेस्टिंग सेंटर का लोकार्पण किया। इस मशीन के लगने से अब एचआईवी संक्रमित लोगों की जांच रायपुर में ही निःशुल्क की जाएगी। साथ ही चिकित्सक मरीजों के शरीर में दवाइयों के असर के बारे में भी जान सकेंगे। इसके पहले जांच के लिए ब्लड सैंपल मुंबई या कोलकाता जैसे शहरों में भेजना पड़ता था। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने छोटे बच्चों को डायरिया से बचाने रोटा वायरस वैक्सीन पिलाया। उन्होंने उम्मीद जताई कि रोटा वायरस वैक्सीन से प्रदेश में बाल मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। 11 जुलाई से शुरू हो रहा है जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा, जहां शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क परिवार कल्याण के साधन जैसे निरोध, कॉपर टी एवं पुरुष तथा महिला नसबंदी की सुविधा चिन्हित केंद्रों में उपलब्ध रहेगी। साथ ही परिवार नियोजन के लिए अंतरा एवं छाया विधि का समावेश भी किया गया है। अपने निकट के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य केंद्र अथवा टोल फ्री नंबर 104 से संपर्क करें। एक सार्थक कल की शुरुआत परिवार नियोजन के साथ। जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा 11 जुलाई से 24 जुलाई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। श्रोताओं, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने फेसबुक अकाउंट से हमें लाइक करने के लिए सर्च करें छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR और रोज पढ़ें प्रादेशिक समाचार फेसबुक पर भी। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तत्कालीन संचालन समिति ने आज ही के दिन इस दिवस की घोषणा की थी। ये दिन जनसंख्या से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाने के लिए मनाया जाता है। इधर प्रदेश में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज से रायपुर में राज्य स्तरीय जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा की शुरूआत की गई।
24 जुलाई तक मनाए जाने वाले इस पखवाड़े के दौरान छोटे परिवार की महत्ता बताने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही परिवार नियोजन के स्थायी और अस्थायी उपायों से भी लोगों को अवगत कराया जाएगा। साथ ही सभी विकासखंडों में सास बहू सम्मेलन और मोबाइल वैन के माध्यम से परिवार नियोजन के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। रायपुर स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में कल चुनावी साक्षरता क्लब से जुड़े लोगों के लिए राज्य स्तरीय चुनाव पाठशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को खेल खेल में मतदान के प्रति जागरूक करने के तरीके बताए गए। साथ ही मास्टर ट्रेनर्स ने अभिनय के जरिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों से जुड़ी जानकारियां दी। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर के आर आर सिंह ने कहा कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं को निर्भय होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चुनावी साक्षरता क्लब का गठन विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा। इसमें लोगों को मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षित करेंगे। रेलवे सुरक्षा बल ने अनाधिकृत बोतल बंद पेयजल की बिक्री रोकने के लिए देश भर में प्यास अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत अनाधिकृत ब्रांड के बोतल बंद पेयजल की बिक्री के लिए 1371 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 69294 बोतल बंद पेयजल जब्त किया गया। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के निर्देश पर 8 और 9 जुलाई को इस अभियान की शुरुआत की गई। ये अभियान सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर चलाया गया। सिंचाई जल के उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें देशभर के सिंचाई जल प्रबंधन परियोजना से जुड़े 36 केंद्रों के मुख्य वैज्ञानिक शामिल हुए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस के पाटिल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सिंचाई जल की कमी से बचने, जल के प्रबंधन और संरक्षण पर ध्यान देना जरूरी है। इसलिए ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिससे पर्यावरण बचा रहे और कृषि उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो। श्री पाटिल ने अनुसंधान परियोजनाओं को माइक्रो प्लानिंग और कृषि विज्ञान केंद्रों से जोड़ने की भी जरूरत बताई। ये कार्यशाला इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर की ओर से आयोजित की गई थी। भारत सरकार के जल शक्ति अभियान के तहत इन दिनों जल संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के संयुक्त सचिव रविन्द्र अग्रवाल ने आज रायपुर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने 15 सितंबर तक स्थानीय लोगों की सहभागिता के जरिए भूल जल और सिंचाई सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से जन जागरूकता अभियान संचालित करने की बात कही। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया कल से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। वे कल रायपुर स्थित राजीव भवन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष कमल गर्ग सदस्यता अभियान संगठन महापर्व के प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने वाले पुलिस परिवार के 39 छात्रों और पालकों को सम्मानित किया। बिलासपुर रेल मंडल में आज रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में पथराव की घटना को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया। जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक और अन्य उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ जल निरंतरता विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है। इस प्रारूप पर आम नागरिकों से सुझाव आगामी 19 जुलाई तक आमंत्रित किए गए हैं। और गरियाबंद जिले में 24 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। इनमें 4 थाना प्रभारी शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 केंद्रीय श्रम कानूनों का विलय कर एक आचार संहिता बनाई। देश के 40 करोड़ मजदूरों को मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। सत्र के दौरान कुल 6 बैठकें होंगी। एचआईवी संक्रमित लोगों की निःशुल्क जांच अब रायपुर में ही हो सकेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने किया एचआईवी वायरल लोड टेस्टिंग सेंटर का लोकार्पण। और विश्व जनसंख्या दिवस पर आज से रायपुर में शुरू हुआ राज्य स्तरीय जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।